गौरलापंडरा मरवाही पुलिस ने ड्राइवर की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है। साइबर सेल की मदद से गौरेला थाना अंतर्गत महीने भर पहले गुम हुई ड्राइवर की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। बता दें कि हत्यारे ने ड्राइवर को मारकर उसकी बुलेरो गाड़ी को बेचने के लिए इस कांड को अंजाम दिया था। इस हत्याकांड में कुल 6 आरोपी में से 5 आरोपी को गौरेला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पिछले माह भर के अंदर ड्राइवर को मारकर गाड़ी बेचने का यह दूसरा मामला सामने आया है। गौरेला पंडरा मरवाही पुलिस ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि बुकिंग में गाड़ी देने से पहले ग्राहकों की पर्याप्त पहचान कर ले, तभी गाड़ी बुकिंग में भेजे। वहीं 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 1 आरोपी की तलाश जारी है। इस मामले में गौरेला कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली। सितंबर 6 तारीख को काशीपुरी नाम के गौरेला के व्यक्ति है, जो बोलेरो ड्राइवर है, वो गुम होने की सूचना मिली है और उनके परिवार वालों ने 9 तारीख को थाने में ये रिपोर्ट किया है। इसके पूरी तस्दीक करने के बाद ये पता चला है कि 6 तारीख को उनको कुछ लोगों ने बोलेरो गाड़ी हायर करने के नाम से 5 लोग इनको लेके गए थे और रास्ते में उनको मर्डर करके इनकी बॉडी मध्य प्रदेश में अनूपपुर ज़िले में रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिए थे। और इस पूरी घटना में अलग अलग ये सूचनाएं मिली है कि एक जगह गुम होने का, एक जगह बॉडी मिलने का, और इसमें काफ़ी टेक्निकल हेल्प लेनी पड़ी और साइबर टीम ने बहुत अच्छा काम किया एडिशनल एसपी अर्चना झा के नेतृत्व में। और इससे जो अन्य अलग अलग घटनाएं हैं इनको जोड़कर संदिग्धों को पहचान किया गया है और उनसे पूछताछ करने पर बाकी साक्ष्य मिल गया है, जिससे ये घटना पूरी तरह से हम एस्टेब्लिश कर पाए कि इन ड्राइवर को ये लोग लेके गए और कोरिया की रास्ते में इनको मारे थे और बॉडी मध्य प्रदेश में डिस्पोज की ताकि किसी को पता ना चले। अभी वर्तमान में जिन्होंने गाड़ी खरीदा है उनको भी अरेस्ट किया गया है और 4 आरोपी गिरफ्तार किया गया है, 1 आरोपी और फरार है, उनको भी बहुत जल्दी हिरासत में लिया जाएगा। जो गाड़ी इन्होंने लूटा है वो गाड़ी भी बरामद हुआ। तो हमें दोनों घटना के बीच में लिंकेज नहीं मालूम है, लेकिन इस तरह की गैंग्स अभी सक्रिय है, खास कर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर में, जो गाड़ी एक राज्य से हायर करके दूसरी राज्य में उसको डिस्पोज कर रहे हैं। तो इससे इस तरह की गैंग से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आरोपी पर पहले से भी मामला दर्ज है क्या, किस प्रकार का? इसमें एक आरोपी है जो मध्य प्रदेश, जो रोहित यादव है, क्या नाम, रमाकांत सोनी जो है वो मास्टरमाइंड है, जो मध्य प्रदेश में हिस्ट्री शीटर है, इसके ऊपर कई अपराध दर्ज है और बाकी लोगों के बारे में भी रिकॉर्ड्स अभी हम लोग जांच कर। आरोपियों ने ड्राइवर को गला घोट कर मारे हैं, कुछ वायर इस्तेमाल किए हैं और हम पब्लिक से अपील करते हैं, विगत 15 दिन में 2 घटनाएं ऐसे हो गई जो गाड़ी हायर करने के नाम से हायर करके फिर ड्राइवर को मारकर गाड़ी लूटने की घटना, 2 घटना इसी महीने में शामिल हुए हैं, हमारे सामने आए हैं। कोरबा पुलिस के सहयोग से एक घटना के बारे में हम खुलासा किए थे पिछले 15 दिन में और अभी एक दूसरा घटना हुआ है। तो पब्लिक से, खास करके जो गाड़ी वाहन मालिक और ड्राइवर से अपील करते हैं कि कृपया जब भी हायर पे गाड़ी भेज रहे हैं उनकी पहचान करें ज़रूर, और यदि पुलिस की ज़रूरत है तो आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं, लेकिन इस घटना को, इस तरह की घटना को रोकने के लिए स्वयं सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। TCP 24 न्यूज़ के लिए पेंड्रा से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।